हेलो, मैं हूँ प्रिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा टोनर जिसको बनाने में आपका एक रुपया भी खर्च होने वाला नहीं है। यह स्पेशली टीनेजर गर्लों के लिए है। टीनेजर गर्ल्स और बॉय दोनों को ही पिंपल और पिंपल मार्क्स, ओपन पोर्स, डार्क सर्कल, ये सब की दिक्कतें आती रहती हैं। तो आज मैं आपको ऐसा DIY टोनर बताऊंगी जिसमें आपके एक रुपये भी खर्च होने वाले नहीं हैं और ये आपके पिंपल, पिंपल्स के मार्क्स, ओपन पोर्स, डार्क सर्कल, सन टैन, हर एक प्रॉब्लम को दूर करेगी। और मैं लास्ट में आपको एक सीक्रेट फेस पैक भी बताऊंगी जिसमें भी आपका कोई खर्च होने वाला नहीं है और आप इसे आसानी से घर में यूज कर सकते हैं। घर में मिलने वाली चीज़ों से इसे आप बना सकते हैं। और इस टोनर और फेस पैक को बनाने के लिए कोई एक चीज़ जो भी मैं बताऊंगी उसमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आप इसे आसानी से अपने घर में बनाएं बिना खर्चे के और यूज करें। यूज करके देखें, आपके पिंपल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगी। जो पिंपल्स आ चुके होंगे वो भी 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएंगी और जो आने वाली होंगी वो भी बिल्कुल नहीं आएंगी और पिंपल निकलना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम होता था, अभी भी मेरे पिंपल्स आते हैं, देख सकते हैं आप, ये पिंपल्स आते हैं मेरे अभी भी। तो मैं ये वाला DIY टोनर और फेस पैक ऑलवेज वीक में 3 दिन ज़रूर यूज करती हूँ और मेरे पिंपल की प्रॉब्लम लगभग ख़त्म होती है। इस टोनर को बनाने के लिए जो हमें पहली चीज़ चाहिए वो है नीम का पत्ता। नीम का पत्ता क्या करेगा हमारी स्किन में, ये हमारे स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने में मदद करेगी, दूसरी गंदगी को साफ़ करेगी, ब्लैक हेड्स को साफ़ करेगी। नीम के पत्ते में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे स्किन में पिंपल और एक्ने के पनपने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करेगी और ये हमारे स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल भी हटाएगी। दूसरी चीज़ हमें चाहिए पुदीने की पत्ती। पुदीने की पत्ती क्या करेगी, हमारी स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाएगी, पिंपल, सनबर्न, रेडनेस को दूर करेगी, त्वचा के रंग को निखारेगी और ये आपके डार्क सर्कल को भी दूर करने में हेल्प करेगी। और तीसरी चीज़ चाहिए हमें तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते क्या करती है हमारी स्किन में, तुलसी में भी एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं तो ये भी एक्ने, पिंपल के पनपने वाले बैक्टीरिया को कम करेगी, चेहरे के रंग को निखारेगी, कील मुहासे के दाग धब्बे को हटाएगी, स्किन को हाइड्रेट रखेगी और हमारे स्किन को बेदाग बनाएगी। इसके बाद हमें चाहिए इसमें नींबू का ऐसा छिलका जो नींबू हम यूज कर चुके हों, साफ हाथों से इसका रस निकाला गया हो, ऐसा नींबू का छिलका, क्योंकि इस टोनर में हमें एक भी रुपया खर्च नहीं करना है तो हम इसे ऐसे छिलके का प्रयोग करेंगे। आप चाहे तो नींबू का पत्ता भी ले सकते हैं, मेरे पास नींबू का पत्ता नहीं था इसलिए मैंने ऐसा नींबू लिया, और आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसमें। और इन सबों को हम क्या करेंगे कि एक मिक्सर जार में डालेंगे, सभी को, सारे पत्तों और नींबू के छिलके या नींबू के पत्ते को सभी को हम एक मिक्सर के जार में डाल के, और अगर आपके पास गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ हैं तो उसे भी आप अच्छे तरह से साफ़ करके धो के आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास अभी गुलाब की पत्तियाँ नहीं थी इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, आप इसमें डाल सकते हैं। इन सारे पत्तों को मैंने अच्छे तरह से धो लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें गुलाब जल भी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, पर हमें इसमें एक रुपये भी खर्च नहीं करने थे तो मैंने इसलिए इसमें पानी डाला। इसमें पानी डाल के इसे ग्राइंड करूँगी। आप जो चाहे गुलाब जल डाल सकते हैं या पानी डाल सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो वो डालकर आप इसे मिक्सर में ग्राइंड कर। ये देखिए, मैंने इसे मिक्सर में पानी डाल के कर लिया है ग्राइंड। बाउल लेंगे और उसमें लेंगे हम सूखी कपड़ा और उसको हम इसमें छान लेंगे। कुछ इस तरह हमें इसे छान लेना है। ये बनके रेडी है हमारा टोनर। अब जो ये बच गया है हम इसे भी फेंकने वाले नहीं हैं, हम इसका एक सीक्रेट फेस पैक बनाएंगे जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ये देखिए, बनके बिल्कुल रेडी है हमारा DIY टोनर। इसे आप किसी साफ कंटेनर में भर के या फिर स्प्रे बोतल में भर के रख सकते हैं, पर ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं,
आप 1 वीक के लिए बनाएं, यूज करें, फिर से 1 वीक के लिए बनाएं और यूज करें, और इसे फ्रिज में स्टोर करें, क्योंकि बाहर रहेगी तो ये जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। और अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसे क्या करें, किसी कंटेनर में भर के रख लें, साफ कंटेनर में, और इसे रुई से कॉटन से अपनी स्किन पे ऐसे सोते टाइम या फिर जब भी आपके पास समय है तो आप इसे यूज करें। इसमें जो हमने नींबू का छिलका डाला है या फिर आप जो नींबू का रस डालेंगे इसमें, वो क्या करेगी कि आपके पिंपल्स की वजह से जो ओपन पोर्स आ गए हैं उसे मिनिमाइज करेगी। आपको ऐसे ही बिल्कुल कॉटन, अब जो टोनर निकालने के बाद हमारे पास ये बच गया है उसको हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, इसका भी हम एक सीक्रेट फेस पैक बना लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम कि थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डाल देंगे, और अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें गेहूं का आटा डाल सकते हैं, बेसन डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है वही डालें। ये वाला जो DIY के बाद जो ये पाउडर बचा है ये हमारी स्किन को बहुत ही बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि इसमें नीम है, तुलसी है, पुदीने है और नींबू है, तो ये हमारी स्किन को और पिंपल्स को दूर करेगी और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी। मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी डाला है, आपके पास जो भी है वो डालें, आटा या बेसन। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गुलाब जल, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। तो देखा आपने, ये बिल्कुल है पैसा वसूल, बिना कुछ खर्च किए आप अपने पिंपल्स को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल लग चुकी है, और ये अगर फेस पैक बच जाए तो आप इसे भी बिल्कुल भी मत फेंकें, इसे आप फ्रिज में रख दें और फिर कल यूज कर लें, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, आप कल एक आज बनाए हैं तो कल यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, अपने फ्रेंड फैमिली से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।